जनसंख्या नियंत्रण का मिशन, जनसंख्या नियंत्रण के मिशन पर सांप्रदायिकता और सियासत का टशन जो लोग करना चाहते हैं, ना वो समाज के हितैषी है और ना देश के हितैषी है, ना प्रदेश के हितैषी है। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश, जो कि देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहाँ से इस जागरूकता मिशन को शुरू किया है। इस पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक तड़का जो लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो न समाज के हितैषी हैं न देश के हितैषी हैं। कोई भी देश बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। और इस दिशा में जो भी प्रयास, जो भी कोशिशें और जो भी जागरूकता और प्रोत्साहन के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए जाने की व्यवस्था की गई है, मैं मानता हूँ कि इसका स्वागत होना चाहिए। और जो लोग इसको किसी धर्म के साथ, किसी जाति विशेष के साथ जोड़ करके इस पे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आशंकाएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से विकृत और सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित हैं, बीमार हैं। नकवी जी, अखिलेश यादव ने कहा पंचायत चुनाव में जो है बीजेपी के गुंडे जो सड़कों पर और योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे। अब बीजेपी की जो उनकी जो हार हुई है, उस हार पर हाहाकार और बीजेपी की विजय पर विलाप, इस विलाप मंडली की बहुत पुरानी आदत है। आपको याद होगा जब विधानसभा हारते हैं तो ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ते हैं, लोकसभा हारते हैं तो भी ऐसे ही इनके हालात रहते हैं, हाहाकार मचाते हैं। तो इसलिए इस हार का हाहाकार और बीजेपी की जीत पर विलाप, इनकी बहुत पुरानी और बहुत ही टेस्टेड और ट्रस्टेड आदत है। और इसलिए अभी तो ये शुरुआत है, अभी विधानसभा में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल इन लोगों का होने वाला है, तब देखिएगा आप सर पटकेंगे। केजरीवाल उत्तराखंड पहुँचे हैं, उत्तराखंड में जाके बोल रहे हैं बीजेपी हम भी जो हमारी सरकार आएगी तो फ्री देंगे हम भी। देखो भैया, ऐसा है, ये जो केजरीवाल जी हैं ये करने में ज़ीरो हैं और धरने में हीरो, तो अब ये धरना वरना करेंगे भी कुछ दिनों बाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।